डीएम साहिबा आपके जमानिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महली मिला बंद। ग्रामीणों ने लगाया प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों पर गंभीर आरोप। गाजीपुर जमानिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय महली पर शनिवार को करीब 12:30 बजे विद्यालय पर ताला लटका मिला। एक तरफ बीएसी हेमंत राव लगातार परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ अध्यापक तू डाल डाल तो मैं पात पात की कहावत का चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को पहुंची मीडिया की टीम ने जब विद्यालय को देखा तो उसमें ताला लटका हुआ था। वहीं ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापक संदीप कुमार वर्मा बहुत कम विद्यालय आते हैं और आज सहायक अध्यापक द्वारा विद्यालय करीब 12:30 बजे ही बंद कर दिया गया। उन लोगों ने बताया कि विद्यालय के ठीक बगल में बहुत बड़ा तालाब है और विद्यालय का कुछ हिस्सा तालाब से सटा हुआ है, कभी भी धाराशाही हो सकती है। विद्यालय की बाउंड्री भी नहीं किया गया है जिससे कभी भी बच्चे पोखरी में गिर सकते हैं। इस संबंध में बीएसए हेमंत राव ने बताया कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, वीडियो व्हाट्सएप कर दीजिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम पड़ेगा भैया? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हर दिन तो विद्यालय चलता रहता समय से जी, लेकिन आज 12:30 बजे बंद हो गया। और इसमें समस्या ये है कि एक मास्टर हैं और एक मैडम जी, वो आज आए थे और जो प्रधानाध्यापक हैं जी वो आज नहीं आते। महीना में 4 दिन पर 5 दिन पर खाली आते हैं, यही समस्या है जी। समस्या मतलब महीने में 4-5 बार आते हैं बस? महीने में जैसे 4 दिन पे 5 दिन पे एक बार आते हैं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन पे एक बार आते हैं प्रधानाध्यापक जी। और एक शिक्षा मित्र हैं वो? शिक्षा मित्र एक मैडम हैं और एक सहायक अध्यापक भी हैं यहाँ पे, वो भी आते हैं? वो आज आए थे। अच्छा, वो आए थे, वो भी बराबर आते हैं कि वो भी? वो बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। तो प्रधानाध्यापक का नाम क्या है? प्रधानाध्यापक का नाम संदीप कुमार वर्मा प्रधानाध्यापक है, जो कि महीने में 4 से 5 दिन आते होंगे। लेकिन इसमें मेन समस्या वही है कि जो अध्यापक हैं प्रिंसिपल जी, सबसे बड़ा कमी उन्हीं का है। उन्हीं का कमी है। आप अधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? अधिकारी का ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कूल का ग्राउंड है बढ़िया से विद्यालय बने और बाउंड्री का जो आदेश है वो करें जी। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा मोहनलाल राम। क्या समस्या है? समस्या है कि आज 12:30 बजे विद्यालय बंद हो गया है जी। दूसरी समस्या है कि हमारा विद्यालय जो है कि पोखरे में गिरने वाला है, हमारे बच्चों का खतरा बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने बहुत बार व्हाट्सएप करवाया, संदीप मास्टर से भी बहुत हमने कोशिश किया। हाँ। आज तक कोई कार्रवाई इस पे विद्यालय के प्रति नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। विद्यालय जर्जर स्थिति में चूरा है, बच्चे बरसात के महीना चल रहा है उसमें पढ़ाई लिखाई बरसात होगी तो बंद हो जाएगा। शासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? शासन से हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारा विद्यालय बने, पढ़ाई अच्छी हो, यहाँ अध्यापक डेली रहे यहाँ और समय से विद्यालय बंद हो, समय से पढ़ाई हो सुबह। क्या नाम है भैया? नंदलाल राम। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि सर यहाँ जो है कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और मास्टर आते भी हैं तो जो है कि मास्टर आते भी हैं तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। बगल में ही हमारा घर है, प्रतिदिन का काम ये देखते हैं कि बच्चे इधर उधर घूमते हैं, आते हैं तो कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं, वो भी कभी नहीं आते हैं कभी आते हैं। प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार वर्मा। हाँ। तो कभी आते हैं? आते हैं। आते हैं? आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं है। महीने में कितनी बार आते हैं? अब ये तो नहीं सर बता सकते हैं, लेकिन आते हैं तो कब आते हैं कब चले जाते हैं इसका कोई, बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। खाना बनता है यहाँ पे? खाना बनता है। अच्छा, टाइम से खाना बनता है? टाइम से खाना बनता है। और कोई समस्या? दो हाँ, और बच्चे जो है कि इधर उधर जाते हैं पानी पीने के लिए। ऐसा क्यों? मास्टर साहब को कहा कि इसका कहला कि इस हैंड पाइप को बनवा दीजिए तो कहे कि क्या कहला हम समरसेबुल से पानी पिलाते हैं। समरसेबुल सर लाइन का क्या भरोसा है, कब लाइन रहेगा कब नहीं रहेगा? देख लीजिए मौके पर जो है कि हैंड पाइप जाम हुआ है। कई बार प्रधान जी भी कहे कि ककाला कि हम बनवा दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, तो कहते हैं कि ककाला कि हम अपने बच्चों को जो है कि समरसेबुल से पानी पिलाएंगे, इसे आपको क्या लेना देना है? लाइन कटवाए हैं हम, देख रहे हैं ना, वो समरसेबुल पंचायत भवन का लाइन कटवाए हैं, कई दिन जाना कि बच्चे मर जाएंगे उसमें करंट मार रहे हैं।
अच्छा, और ये हैंडपाइप जो है कि आज से दो साल से बंद है। दो साल से हैंडपाइप बंद है, बंद है। बच्चे जाते हैं।